दोस्तों यह बोट की नई कॉलिंग स्मार्ट वॉच बोट स्ट्रॉन्ग कॉल जो यहाँ पे 1800 रुपीस के लिए लॉन्च किया गया है। अगर आपको याद होगा ना, यहाँ पे अमेजन के प्राइम डे के सेल पे ये वेब कॉल आया था 1800 रुपीस के लिए। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको ये ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल रही है। अगर मैं स्पेक्स भी चेक करूँ ना तो दोनों की एग्जैक्टली सेम देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको एक डिटेल रिव्यू तो दूंगा इसी स्ट्रॉन्ग कॉल का, साथ में एक थोड़ी सी कंपेरिजन भी कर लेंगे इसी वेब कॉल के साथ, और देखते हैं कि क्या आपको ये दोनों एग्जैक्टली सेम देखने को मिलते हैं या फिर कुछ मेजर डिफरेंस देने को मिलती है। क्योंकि ये जो वेब कॉल है ना, अभी के टाइम में आपको 3000 रुपये ले देने को मिलता है। तो जिसको यहाँ पे वेब कॉल खरीदने का मन हो तो हो सकता है कि ये स्ट्रॉन्ग कॉल को आप अभी बाय कर सकते हो 1800 रुपये के लिए। इसकी जो डायरेक्ट बैंक लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जरूर से आप उसको बाय कर लेना। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे ना तो जरूर से गाइज लाइक करना, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा देना। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिजीत, वेलकम टू आवर चैनल डे बाय डे। तो बॉक्स पैकेजिंग आपको वही सेम देने को मिलती है। इस साइड बस यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग लिखा मिलेगा और पीछे के साइड आपको सारी इसकी जो मेजर हाईलाइट्स देने को मिल जाएंगे, जो आगे आपको मैं वीडियो में एक एक करके सारी फीचर बताने वाला हूँ। और डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर आपको 1 ईयर की वारंटी के लिए QR कोड देने को मिल जाएगा, जरूर से अपना प्रोडक्ट आपको रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको यूजर मैनुअल मिल जाएंगे इसी स्मार्ट वॉच की, और यहाँ पर आपको एक कैटलॉग देने को मिल जाएंगे जहाँ पर आपको बोट की और भी बहुत सारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक बोट हेड के स्टिकर देने को मिलेगा, और इस तरह से यहाँ पे आपको पोगो पिन टाइप की चार्जिंग केबल देने को मिल जाएंगे। और ये दोनों स्मार्ट वॉच में ना, एक यहाँ पे वेब कॉल है और एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉल है। अगर आप फिजिकली देखोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी फर्क देने को नहीं मिलते हैं। इवन आप देख सकते हो कि जो स्पीकर की आउटपुट है ना, वो भी आपको एग्जैक्टली सेम देने को मिल जाते हैं। यहाँ पे दोनों में आपको मेटेलिक फ्रेम देने को मिलता है। जो बटन की पोजीशन है वो भी आपको एग्जैक्टली सेम देने को मिलती है। स्ट्रैप की भी क्वालिटी ना आपको दोनों में एग्जैक्टली सेम, और नीचे यहाँ पे आपको बोट की ब्रांडिंग भी देने को मिल जाएगा। पीछे इनके सेंसर आपको देने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे देखोगे गाइस, आपको एक साइड में स्ट्रॉन्ग कॉल लिखा मिलेगा और दूसरे साइड यहाँ पे वेब कॉल लिखा मिलेगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि वेब के जगह स्ट्रॉन्ग को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। और यहाँ पे आपको माइक्रोफोन की इनपुट आपको टॉप में देने को मिलेगी। और गाइस यहाँ पे ना आप इस स्ट्रैप को चेंज कर सकते हो, 22mm का स्ट्रैप है। और दोस्तों यहाँ पे आपको मेटेलिक बकल भी देखने को मिल जाएंगी। दोनों की बिल्ड क्वालिटी एग्जैक्टली सेम है और दोनों प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छे बिल्ड प्रोवाइड करते हैं। डिस्प्ले की बात करें ना, तो गाइस यहाँ पे दोनों में आपको एग्जैक्टली 1.69 इंच की डिस्प्ले साइज देने को मिलेंगी। और दोनों में ना मैंने यहाँ पे ब्राइटनेस को फुल करके रखा है, और यहाँ पे मैंने सेम वॉलपेपर यहाँ पे अप्लाई किया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि गाइस ये साइड के जो डिस्प्ले में आपको ब्लैक काफी ज्यादा अच्छे देने को मिलते हैं, जबकि यहाँ पे ये वाला जो आपको देख सकते हो कि आपको हल्की सी यहाँ पे ज्यादा ग्रे टाइप के देखने को मिलेंगी। तो अगर मैं दिखाऊं तो गाइस यहाँ पे जो राइट साइड में जिसपे आपको अच्छी डिस्प्ले मिल रही थी, ये है वेब कॉल, जबकि जो स्ट्रॉन्ग कॉल में आपको कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे वॉलपेपर देखने को मिल रही है। तो डिस्प्ले के मामले में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे वेब कॉल आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलेंगी। ये इनिशियली 1800 रुपये में आए थे, तो भाई ऑफर के दौरान कभी ना कभी आपको ये वापस 1800 या फिर 2000 रुपये में मिल सकता है। बाकी यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग कॉल है इसकी भी प्राइसिंग जल्दी बढ़ जाएगा, ये भी देखना यहाँ पे 3000 रुपये के लिए आगे मिल सकता है। बाकी ब्राइटनेस वॉच की यहाँ पे आपको काफी अच्छी देने को मिलेंगी। यहाँ पे आउटडोर कंडीशन में इसको इस्तेमाल करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएंगे। और दोस्तों इस स्ट्रॉन्ग कॉल में मुझे एक दिक्कत देखने को मिला, इस तरह से होल्ड करके रखने के बाद ना यहाँ पे आपको एक स्क्रीन बर्निंग का इश्यू देखने को मिलेंगी। जो बैकग्राउंड में 14 था वो यहाँ पे हल्की हल्की नजर आ रहा है, तो पता नहीं ये चीज एक्चुअली कैमरा में कितने अच्छी तरह से कैप्चर हो पा रहा है या नहीं। तो जरूर से अगर ये स्मार्ट वॉच को बाय किए होगे ना तो जरूर से चेकआउट करके मुझे कमेंट पे बताना, ताकि यहाँ पे दूसरे को ये चीज पता चले। हो सकता है कि ये मेरे स्मार्ट वॉच में ही दिक्कत रहेगा, अगर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है आपके स्मार्ट वॉच में तो ये चीज मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। और रेस्ट वेग वेल फीचर की बात करें तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में आपको अच्छे देने को मिल जाएंगे, कोई आपको परेशानी नहीं होगा। और वॉच की अगर हम बात करें तो दोस्तों इस तरह से होल्ड करके रखने में आपको यहाँ पे वॉच फेसेस चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिलेंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वॉच फेसेस को चेंज करने के लिए जो यहाँ पे आपको होल्ड करके रखना पड़ता है ना, यहाँ पे मुझे लगा कि ये ज्यादा टाइम लेता है अगर हम कंपेयर करेंगे दूसरे स्मार्ट वॉच के साथ। यहाँ पे ऊपर से नीचे स्वाइप करोगे तो दोनों में आपको यहाँ पे इनके जो क्विक टगल्स देने को मिल जाएंगे। और दोस्तों जैसे यहाँ पे नीचे से ऊपर करोगे तो गाइस यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मोड, देन यहाँ पे आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग, देन यहाँ पे आपको स्लीप ट्रैकिंग, वेदर
इन्फॉर्मेशन और आपको यहाँ पे कॉलिंग के लिए जो ऑप्शन यहाँ पे आपको देने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको म्यूजिक कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलेगा। और उसके बाद अगर यहाँ पे लेफ्ट टू राइट करोगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे जो मैसेज की पैनल देने को मिल जाएंगी। राइट टू लेफ्ट करने में आपको यहाँ पे इनकी जो सारी मेनू देने को मिल जाएंगी लिस्ट फॉर्मेट में। और यहाँ पे वॉच की यूआई की स्मूथनेस की बात करें तो दोस्तों प्राइस के हिसाब से दोनों में आपको काफी बढ़िया यूआई देने को मिल जाएंगे कंसिडरिंग 1800 प्राइस पॉइंट। और ये दोनों स्मार्टवॉच यहाँ पे सेम एप्लीकेशन के थ्रू भी कनेक्ट होते हैं बोट वेरेबल्स। और इसकी जो यूआई आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। ऊपर यहाँ पे आपको स्टेप्स काउंट देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको नीचे आपको कैलोरी बर्न, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, देन यहाँ पे आपको स्लीप ट्रैकिंग के सारे डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको हेयर की जो डिटेल्स को एनालाइज करने के लिए भी ऑप्शन देने को मिल जाएंगे। देन यहाँ पे आपको माई एक्टिविटी शो कराएगा और उसके बाद यहाँ पे आपको वॉच के रिलेटेड सारी सेटिंग्स देने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको जो बैटरी कितना है वो भी शो कराती है। और गाइस यहाँ पे जो वॉच फेसेस है ना, आप देख सकते हो कि आपको क्लाउड बेस के ऊपर आपको इतने सारे वॉच फेसेस देने को मिल जाएंगे। अगर आपको खुद से अगर कस्टमाइज करके वॉलपेपर लगाना हो, ये भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देने को मिल जाती है। देन यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कॉलिंग की ऑप्शन देने को मिलेंगी, जहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट सिंक करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके वजह से आप जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपने वॉच के साथ सिंक करना चाहोगे यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन, अलार्म की सेटिंग, फाइंड डिवाइस जैसे आपको ऑप्शन देने को मिल जाएगी। कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप देख सकते हो कि कैमरा को क्लिक करने में कुछ यूआई ओपन हो जाएगा और वॉच में कुछ इस तरह से आ जाएंगे और इस तरह से क्लिक करके आप फोटो वगैरह खींचने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको अलर्ट्स पे हाइड्रेशन और सेडेंटरी के अलर्ट्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे अगर वॉच को डिस्कनेक्ट करना होगा तो ये भी आपको ऑप्शन देने को मिल जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड की बात करें तो गाइज यहाँ पे आपको 10-11 स्पोर्ट्स मोड देने को मिलेंगी और थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था। यहाँ पे आपको स्विमिंग के लिए स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, IP68 के आपको यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंट ही देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे स्विमिंग के लिए 5 ATM ज़्यादा प्रॉपर रहता है, IP68 है, तो यहाँ पे आपको मैं स्विमिंग के लिए पर्सनली ये वॉच पर रिकमेंड नहीं करूँगा। और दोस्तों यहाँ पे कोई कॉल होने पे आपको कॉल को साइलेंट करने का फीचर देने को नहीं मिलेगा। जो रिंगटोन है वो भी आपको वॉच के स्पीकर के थ्रू सुनाई देता है। और कॉल को आंसर करने के बाद यहाँ पे आपको वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए भी फीचर देने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको कॉल एंड करने का फीचर देने को मिलेगा। और दोस्तों ये रहा है कॉल टेस्ट इसी बोट स्ट्रॉन्ग कॉल के साथ, जिससे आपको बेहतर आइडिया लगे कि इसी कॉल पर आपको कैसे देने को मिल सकती है। दोस्तों सेंसर की बात करो ना, तो ये आपको हार्ड सरफेस में कोई भी डिटेक्शन नहीं देगा, लेकिन सॉफ्ट सरफेस में यहाँ पे आपको डिटेक्शन देने को मिलेगी। जैसे मैंने इसको टेस्ट किया तो यहाँ पे हार्ट रेट मुझे यहाँ पे इक्वल देने को मिले, पर पता नहीं यार SPO2 में कोई डिटेक्शन ही नहीं आ रहा था, कोई नंबर भी नहीं शो कर रहा था। ये मैंने बार बार चेक किया और यहाँ पे मैंने वॉच को मतलब उल्टा करके जैसे हम जनरली पहनते हैं वैसे पहन के भी चेक किया, लेकिन मुझे कोई भी रीडिंग ही देखने को नहीं मिली। फेक रीडिंग ही दे देते थे, लेकिन गाइज यहाँ पे मुझे कोई भी रीडिंग देने को नहीं मिला। बाकी दोस्तों ये वॉच के बारे में बात करें, 1800 रुपये के लिए मेरे तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं रहेगा, क्योंकि गाइज यहाँ पे मुझे मल्टीपल इश्यूज देने को मिले। अभी अभी आपको मैंने सेंसर में बताया और यहाँ पे गाइज मेरे केस में तो स्क्रीन बर्निंग का इश्यूज है। जरूर से ये चेकआउट करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और दोस्तों ये कॉलिंग स्मार्ट वॉच में ना आपको कॉल अलर्ट्स की ऑप्शन देने को नहीं मिलेंगी, तो गाइज यहाँ पे कोई कॉल आने पे आपको सिर्फ रिंगिंग सुनाई देगा, ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो जरूर से ये चीज़ ध्यान रखना। नो डाउट ये आपको कम प्राइस में मिल रहे हैं, लेकिन कम प्राइस के चलते यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सेम टाइम में वेब कॉल में एटलीस्ट आपको अच्छी डिस्प्ले मिल रही थी और सेंसर भी आपको वहां पे थोड़ी बहुत अच्छे देने को मिल रहे थे। तो गाइस जरूर से आपको मैं कहूंगा कि अगर यहां पे इसको ऑर्डर किए हो, रिसीव नहीं किए हो, तो बेटर होगा कि इसको कैंसिल कर देना। मेरे तरफ से ये रिकमेंडेड नहीं रहेगा। और भी कोई डाउट रहेगा, कोई कंफ्यूजन रहेगा, कोई कंपैरिजन देखना होगा तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा और जेन्युइन लगा होगा, लाइक जरूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ऑनेस्ट रिव्यू के लिए। और हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।